नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो ग्रीन कलर की हरे कलर की गाड़ियां देख रहे हैं, ये चुनाव प्रचार के लिए बनाई गई है। ऑल इंडिया मजलिस ए इंतेहाद उल मुसलमीन लिखा हुआ है। पतंग का निशान सुरक्षा और सम्मान। हम ये क्यों दिखा रहे हैं? इस सामने जो आप देख रहे हैं, होर्डिंग लगी है, कटआउट लगे हुए हैं और सामने प्रदर्शनी मैदान है, क्राफ्ट मेला। यहाँ पर दिसंबर के महीने में प्रदर्शनी लगती है, जैसा कि अभी लगी हुई थी। तो हमारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट भेज रहे थे, सर जी आप हर जगह की अपडेट दिखाते हैं, अभी अमित शाह आए हुए थे, योगी जी आए हुए थे, आज ओवैसी आ रहे हैं, हमारे जो नेता हैं उन्होंने कमेंट भेजा कि सर हम ओवैसी को देखना चाहते हैं और आप अपने मार्केट संवाद चैनल से अपडेट हम तक पहुंचाएं तो अच्छा लगेगा। उन्होंने कमेंट भेजा और हम चले आए अपडेट दिखाने के लिए, क्योंकि हम किसी को निराश नहीं करते और अपडेट ज़रूर दिखाते हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाते हैं। आप देख रहे हो कि भारी भरकम पुलिस फोर्स लगाया गया है चुनाव को देखते हुए। 20 फरवरी को झांसी में तीसरे चरण का चुनाव होना है, जैसा कि आप देख रहे हैं भारी फोर्स बल लगाया गया है सुरक्षा को देखते हुए। सारी बटालियन झांसी में अब इस समय आ चुकी हैं। किसी चुनाव में गड़बड़ी ना होने पाए, अराजक तत्व अपना वर्चस्व ना दिखा पाए, इसलिए आप देख रहे होंगे प्रशासन चौकन्ना है सुरक्षा को देखते हुए। ये पुलिस के जाबाज सिपाही सामने देख रहे होंगे, सामने सीआई एसएफ के जवान देख सकते हैं आप, भारी भरकम फोर्स। ये फोर्स क्यों लगाया गया है? क्योंकि 20 तारीख को झांसी में चुनाव होना है, चुनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा तैनात की जा रही है कि जिससे कोई गड़बड़ी ना होने पाए। शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि होली कब है और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ओबीसी कब आएंगे। इतनी भारी भरकम सुरक्षा ओबीसी के आने पर लगाई जा रही है, देख रहे होंगे आप। सुरक्षा इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ओबीसी पर गोली चलाई गई थी अराजक तत्व द्वारा, उसको देखते हुए अब भारी सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है जिससे कोई गड़बड़ी न फैलने पाए। ये प्रदर्शनी मैदान है झांसी का और झांसी में आज ओबीसी का आगमन होना है, जिनका चुनाव चिन्ह पतंग है और उनकी पार्टी का नाम AIMIM और जिन्होंने गठबंधन किया है वो बाबू सिंह कुशवाहा हैं।
जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मनाया हुआ है JAP, जितना अभी पुलिस प्रशासन सामने दिख रहा है, फोर्स दिख रही है, उतने तो अभी आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तैयारियां चल रही हैं उनके आगमन के पर, अब इकट्ठे होते जा रहे हैं कार्यकर्ता उनके। उनके जो समय है आगमन का, दो बजे का टाइम दिया गया है। जैसा कि आज जुमा है, शुक्रवार है, नमाज का दिन है, अब जुमा के बाद ही शायद जनसभा को संबोधित करेंगे, जैसा कि सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है, जो कार्यकर्ता बता रहे हैं, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा दिन होता है जुमा का, जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। लगभग 2 बजे के बाद, जुमा की नमाज के बाद ही जनसभा को संबोधित करेंगे। तब तक आप देख रहे हैं तैयारियों का जायजा, देख सकते हैं मार्केट संवाद चैनल पर ग्रीन ग्रीन गुब्बारे लगाए गए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं होर्डिंग को लगाया गया है, उस पर लिखा है वेलकम बॉस। कितना सुंदर होर्डिंग लगाया है इन्होंने अपने नेता की शान में, जो लिखा है वेलकम बॉस, उनको बॉस की उपाधि दी जा रही है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुनून है, जज्बा है, अपने नेता को किसी भी तकिया कलाम से बुलाएं, उनके बॉस हैं वो कुछ भी बुला सकते हैं। ये सारी बटालियन सुरक्षा के लिए लगाई गई है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।